वेलकम टू मोटर रिव्यूज। आज हम बात करने वाले यामाहा की तरफ से आने वाली यामाहा ट्रेसर 155 की लॉन्चिंग डिटेल। यामाहा को जाना जाता है इंडिया में स्पोर्ट्स एंड स्ट्रीट मोटरसाइकिल के लिए, जैसे कि इनमें आपको यामाहा R1, यामाहा R15 V3, यामाहा MT15 एंड यामाहा FZS। ये बाइक काफ़ी पॉपुलर है इंडिया में, बट यामाहा कंपनी ने अभी तक कोई भी एडवेंचर बाइक को इंडिया में नहीं लॉन्च करा है। एडवेंचर बाइक की काफ़ी डिमांड इंक्रीज हो गई है, जिसके बाद होंडा कंपनी होंडा NX200 एडवेंचर बाइक को बहुत ही जल्द इंडिया में लॉन्च करेगी। यामाहा की तरफ से आने वाले इस साल में आपको यामाहा ट्रेसर 155 एडवेंचर बाइक का भी लॉन्च देखने को मिल सकता है। यामाहा ट्रेसर 155 टोटली इंस्पायर्ड रहेगी अपने बिगर सिबलिंग ट्रेसर 700 से। यामाहा ट्रेसर 155 में आपको ड्यूल पर्पस मोटरसाइकिल देखने को मिलेगा। इस बाइक के साथ आप ऑफ रोडिंग भी कर पाएंगे एंड इसके साथ आप टूरिंग भी कर पाएंगे। इस मोटरसाइकिल में आपको काफ़ी वाइडर सीट भी मिलेगी एंड इसमें आपको कंफर्टेबल सीटिंग पोजीशन भी मिल जाएगा। यामाहा ट्रेसर 155 टोटली पैक्ड एडवेंचर मोटरसाइकिल होगी, जिसमें आपको बेस्ट फीचर्स ऑफर किए जाएंगे यामाहा की तरफ से। यामाहा ट्रेसर 155 में आपको क्या कुछ फीचर्स देखने को मिलते हैं, प्राइस कितना देखने को मिलेगा एंड इस मोटरसाइकिल का इंडियन मार्केट में लॉन्च कब होगा, सारी डिटेल एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए इस रिव्यू को ज़रूर आप एंड तक देखिए। ओवरऑल इस बाइक में आपको काफ़ी शार्पर एंड मस्कुलर लुक्स देखने को मिलते हैं। वाइज़र भी इस बाइक में आपको एडजस्टेबल देखने को मिलेगा। टूरिंग के टाइम पे आप इस बाइक के वाइज़र को एडजस्ट कर पाएंगे एंड इसमें आपको पैरामीटर फ्रेम भी मिल जाएगा, जिसमें आपको बेटर हैंडलिंग एंड इसमें आपको हाई स्टेबिलिटी भी देखने को मिल जाएगी। ट्रेसर 155 में आपको 2-सेक्शन मीटर कंसोल भी मिलेगा। एक साइड पे इस पर आपको टैकोमीटर देखने को मिलेगा एंड एक साइड पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर हम इस बाइक के रेयर सस्पेंशन की बात करते हैं तो इसमें आपको एडजस्टेबल मोनोशॉक देखने को मिल जाएगा एंड इसमें आपको शार्प ट्विन LED हेडलाइट भी देखने को मिल जाएगी फॉर ईजी नाइट राइड एंड इसमें आपको क्लिप ऑन हैंडल बार्स भी मिलते हैं फॉर ईजी हैंडलिंग एंड स्टेबिलिटी। यामाहा ट्रेसर 155 में आपको जो स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती है, इस बाइक में आपको सेम इंजन देखने को मिल जाएगा जो आपको यामाहा R15 V3 में मिलता है। इस बाइक में भी आपको सेम इंजन मिल जाएगा। अगर हम इस बाइक के इंजन की बात करते हैं, इसमें आपको 155.1 cc का लिक्विड कूल FI रिफाइंड इंजन देखने को मिल जाएगा। पावर इसमें आपको 18.5 HP की पावर जनरेट करेगा ये बाइक। टॉर्क इसमें आपको 13.9 Nm ऑफ टॉर्क मिलता है। नंबर ऑफ गियर्स इसमें आपको 6-speed गियर मिल जाएंगे। फ्यूल टैंक इसमें आपको 13 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाएगा। अगर हम इस बाइक के सस्पेंशन की बात करते हैं, फ्रंट में इसमें आपको टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन मिल जाएंगे। रेयर सस्पेंशन में एडजस्टेबल मोनोशॉक मिल जाएगा। फ्रंट एंड रेयर में इसमें आपको डिस्क ब्रेक भी मिलेंगे। अगर हम यामाहा ट्रेसर 155 के फीचर्स की बात करते हैं, इसमें आपको इंजन कूलिंग टेक्नोलॉजी लिक्विड कूल मिल जाती है एंड इसमें आपको ड्यूल चैनल ABS भी मिल जाएगा। इस बाइक में आपको ट्विन LED हेडलाइट भी मिलती है एंड इसमें आपको फुली LCD डिजिटल मीटर कंसोल भी मिल जाएगा एंड इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिलेगी। इस बाइक में आपको रेयर में जो सेम MT15 में LED हेडलाइट देखने को मिलती है, इस बाइक में भी आपको सेम टेल लाइट देखने को मिल जाएगी एंड इसमें आपको ग्रैब रेल्स भी मिल जाते हैं। इस बाइक में आपको अंडर बेली एग्जॉस्ट भी मिलेगा। अगर हम ट्रेसर 155 की परफॉर्मेंस की बात करेंगे, टॉप स्पीड इस बाइक की आपको 130 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मिलती है एंड एवरेज इस बाइक की सिटी में ये बाइक आपको 40 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से एवरेज जनरेट कर देगा। हाईवे पे ये बाइक आपको 45 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से एवरेज जनरेट कर देगा। इस बाइक में आपको टोटली एडवेंचर डिज़ाइन देखने को मिलता है एंड इसमें आपको फुल्ली लोडेड फीचर्स भी मिल जाएंगे। इस बाइक में आपको पावरफुल ब्रेक्स भी मिलते हैं एंड इसमें आपको परफेक्ट हैंडलिंग भी मिल जाएगी। इस बाइक में आपको वाइड सीटिंग पोजीशन भी मिलता है। एज सच इस बाइक में आपको कोई भी वाइब्रेशंस नहीं फील होंगे एंड इसमें आपको सॉलिड बिल्ड क्वालिटी भी देखने को मिल जाएगी। अगर हम यामाहा ट्रेसर 155 के प्राइस की बात करेंगे, इस बाइक का प्राइस आपको 1,40,000 एक्स शोरूम देखने को मिलेगा एंड इस बाइक के अगर हम लॉन्च की बात करेंगे, यामाहा ट्रेसर 155 का लॉन्च आपको अगस्त 2021 तक देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी मैंने आपसे डिस्कस की। स्टिल आपके कोई डाउट्स या कभी भी कोई क्वेश्चन होते आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करें, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के रिव्यू को हम इधर ही वाइंड अप करते हैं।